जैसे ये हमारा दीवाल है, वॉल है, इस वॉल में जैसे ये पपड़ी सी बनी होती है और पर ये जैसे खराब सा है कुछ है, तो इसको हम इस तार ब्रश से इसको हम पहले इसको रगड़ेंगे अच्छी तरह से। ये हमारा वॉल जो है, हमारा वॉल साफ हो चुका है। ये अब हम इस पर गम लगाते हैं और इस गम को हमने आधा इसको आधे 2 लीटर इसमें डाला, हमने आधा लीटर पानी डाला। गम को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। ये हमारा रहा बाटा ब्रश। इस बाटा ब्रश से हम दीवार पे पेस्ट लगाएंगे इसको। और ये दीवार हमारी अच्छी तरह से साफ हो चुका है। और इसको हम इतना इसको सही तरीके से लगाना है बॉन्ड को, इसको इतना सही लगाना है बॉन्ड को कि दीवार से ये मीडिया हमारी निकलनी नहीं चाहिए। और इसको पूरे वॉल पेंटिंग जैसे पेंट होता है, इसको वैसा पेंटिंग करने का इसको गम से। बॉन्ड को हम लगाते समय एक चीज का ध्यान देंगे कि दीवार में किल है तो किल को निकाल लेना। ये हमारा वॉल है, वॉल पे हमने बॉन्ड लगाया, बॉन्ड सूख चुका है, अब हम इसको काटते हैं। हमने प्रिंट की प्रिंट को हम काट रहे हैं इसमें। ये प्रिंट का हमारा पहला भाग है। अब हम ये प्रिंट का हमारा पहला भाग है, अब हम इसको एक साइड से 1 इंच हम काट देते हैं इसको। हम 1-1 इंच हम इसको कटिंग करेंगे। ये हमारा एक साइड पहला पार्ट का एक साइड हम 1 इंच काट सकते हैं और पहले पार्ट का ये हमारा ये दूसरा साइड नहीं काटेंगे तो हमारा दूसरा पार्ट इसके ऊपर चढ़ सकता है। अब हम इसको इसको हम फोल्ड करते हैं। अब हम ये हमारा एब्रो टेप है, एब्रो टेप को हमने तोड़ा और इसको हमने प्रिंट के 3 जगह लगाया और आधा हमने प्रिंट पे लगाया इसके और आधा हमने बाहर छोड़ा इसको कि हम दीवार पे लगा सके। ये हमने ये लगा डाला। नहीं, टेबल नहीं,
देखो ये हमारा प्रिंट, देखो कहाँ तक जाता है दीवार से प्रिंट को नाप लेने का। ये हमारा कितना प्रिंट जाता है, ये जो गम है ना, हाँ है, कितना दूर है, थोड़ा ऊपर ले लेंगे। ये हमने प्रिंट को दीवार पे रखा और इसको हमने देखा कि हमारा प्रिंट कितना दूर जाता है। अभी हम इसको चिपका रहे हैं, इसको हमने इधर साइड में चिपकाया, फिर हमने इसको बीच में चिपकाया, हमने इसको बीच में चिपकाया, फिर हमने इसको तीनों साइड चिपका डाला और हमने एब्रो टेप लिया नीचे से फोल्ड करो, हमने एब्रो टेप लिया और आधा हमने प्रिंट पे चिपकाया और आधा वॉल पे चिपकाया एब्रो टेप को। ये हमने वॉल पे चिपकाया, को ऐसा लगाने का कि प्रिंट ऊपर से गिरे ना।
है हमारा स्प्रे। हम इसको इस पे हल्का हल्का पानी मारते हैं इस पंच पे, फिर हम इस प्रिंटिंग पे हमने पानी मारा, प्रिंटिंग पे हमने पानी मारा और हमने आस्ते आस्ते आराम से हमने प्रिंटिंग को स्पंज से दबा दिया। इससे हमारा जो है पानी मारने से हमारी जो वॉल बॉन्डिंग अंदर की होती है ये अच्छी तरह से इसको फेस्ट हो जाती है। ये हमने पानी मारा और इसको हमने थप्पी भी मार सकते हैं। वार्निश को खोलते हैं। अभी हमारा वार्निश है, अब इसमें हम मिलाते हैं प्रिंट है, हमने इस पर पानी लगाया था जो वो हमारा सूख चुका है और हम इस पर ये वार्निश लगाते हैं। अब हमने ये वार्निश लगाने शुरू किया, हमने ये वार्निश लगाया। ये हमारा वार्निश लगाने से हमारे प्रिंट की लाइफ बढ़ जाती है। हम लगाते हैं इसको,